मैं रश्मि आपका रेक किचन में स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको एकदम आसानी से और कैसे परफेक्ट तरीके से खस्ता मीठे शकरपारे बनाएंगे उसकी रेसिपी बताने जा रही हूँ। अक्सर होता ही है कि जब भी हम शकरपारे बनाते हैं तो कभी वो बहुत ज्यादा कड़क हो जाते हैं या बहुत जल्दी वो नरम पड़ जाते हैं। अगर आपने मेरी स्टाइल से शकरपारे बनाए तो आपके शकरपारे जो है खस्ता भी बनेंगे, वो ना ही नरम पड़ेंगे ना ही कड़क होंगे, एकदम परफेक्ट बनेंगे। तो हमेशा की तरह आपको फ्रेंड्स मेरा वीडियो पसंद है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स करना ना भूलिए। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं एकदम आसान तरीके से परफेक्ट खस्ता मीठे शकरपारे। मैंने यहाँ एक बर्तन लिया है, इसमें हम एक कप पानी लेंगे। जिस कप से मैंने पानी लिया है वही सेम कप से हम चीनी भी लेंगे। ये मैंने एक कप चीनी ली है, इसे मिक्स कर लेते हैं। अब हम गैस को ऑन कर लेंगे। इसी में हम एक कप घी डालेंगे। घी हमारी इस तरह की जमी हुई होनी चाहिए, पिघली हुई घी का हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। नमक स्वाद अनुसार डालेंगे और एक बार इसे चला लेते हैं। याद रखें आप जिस भी कप से पानी लेंगे उसी कप से आपको घी और चीनी लेनी है। गैस को हम मध्यम आंच पे रखेंगे और इसे अच्छे से उबाल आने देंगे। याद रखिए इस रेसिपी के लिए हम सिर्फ घी का ही इस्तेमाल करेंगे क्योंकि डालडे से उतना अच्छा आपको टेस्ट नहीं मिलेगा। तेल या बटर का इस्तेमाल हम इसमें नहीं करेंगे। मैंने यहाँ पे गाय का घी लिया है, आप यहाँ पे भैंस के दूध का भी घी का इस्तेमाल कर सकते हो। ये देखिए हमारी छाछी में अच्छे से उबाल आ चुका है और हमारी चीनी भी पिघल गई है। अब हम गैस को ऑफ कर देंगे और पूरी तरह इसे ठंडा होने देंगे। उसके बाद ही हम शक्करपारा बनाएंगे। इसे हम एक बड़े से बाउल में निकाल लेंगे। ये पूरी तरह से ठंडा हो चुका है, इसे हम आसानी से छू सकते हैं। ये मैंने एक बाउल में मैदा लिया है, ये आधा किलो मैदा है। मैदे को हम थोड़ा थोड़ा करके चाशनी में ऐड करते जाएंगे। एक साथ हमें नहीं मिलाना है क्योंकि हम देखेंगे कि हमें कितनी मैदे की ज़रूरत है। इस मैदे से हमें आटा गूंदना है तो इसमें जितना आएगा उतना ही हम मैदे को ऐड करेंगे। रोटी का जैसे हम आटा गूंदते हैं बिल्कुल वैसे हमें आटा गूंदना है, पर ये ज़्यादा हार्ड नहीं होना चाहिए या फिर ये ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होना चाहिए, ये सीमित ठीक होना चाहिए और अच्छा सा चिकना आटा हमारा होना चाहिए। तो आपकी जितनी शुगर सिरप होगी उस पर मैदे की क्वांटिटी डिपेंड है। ये देखिए हाथों से और बर्तन से पूरी तरह ये छूट गया है मैदा और ये गूंद कर रेडी है। इस आटे से हम तुरंत ही शक्करपारा बनाएंगे। यहाँ पे गैस पे एक साइड पे मैंने तेल गरम करने रखा है। जब तक हमारा तेल गरम हो रहा है हम आटे से शक्करपारा बना लेते हैं। यहाँ पे हमारा आटा रेडी है, इस तरह का मैंने कटर लिया है, आप चाहो तो छुरी का भी इस्तेमाल कर सकते हो। आटे की लोई बनाएंगे और थोड़ा सा सूखा मैदा हम स्प्रिंकल करेंगे और इसे इस तरह थोड़ी मोटी साइज में हम आटे को बेलेंगे रोटी की तरह। अब हम इसके इस तरह से छोटे छोटे डायमंड शेप में कट कर लेंगे। ये आप छोटे या बड़े साइज में भी कट कर सकते हो, मैंने यहाँ पे छोटे छोटे साइज के बनाए हैं। ये देखिए इस तरह से। तो चलिए तेल चेक कर लेते हैं। छोटे से आटे का टुकड़ा हम तेल में छोड़ेंगे। ये देखिए बबल्स आने लगा है, यानी तेल जो है हमारा अच्छा गर्म है। याद रखें तेल हमारा बहुत ही अच्छा गर्म होना चाहिए। अब हम इसमें एक साथ बहुत सारे शक्करपारा को छोड़ेंगे और गैस को हम लो टू मीडियम फ्लेम के बीच में रखकर इसे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। इसे हम बीच बीच में हिलाते हुए टर्न करते जाएंगे जिससे कि दोनों तरफ से ये अच्छे से एक समान कलर इसमें आ जाए। परफेक्ट कलर इसको आ चुका है। अब हम इसे टिश्यू पेपर पे निकाल लेते हैं और इसी तरह बचे हुए आटे से भी हम सारे शक्करपारा बना लेते हैं। ये हमारे बहुत ही टेस्टी और खस्ता शक्करपारा बनकर रेडी है। इसे हम पूरी तरह ठंडा होने के बाद ही डिब्बे में भरकर 3 से 4 महीने तक एंजॉय कर सकते हैं। तो आप भी इस रेसिपी को जरूर बनाएं और बताएं कैसे बनी थी। तो देखा ना कितनी आसानी से हमने खस्ते मीठे शक्करपारे बनाए हैं। इसे आप 4 महीने तक रखे आराम से एंजॉय कर सकते हैं। तो इस रेसिपी को आप जरूर बनाइए, अपने फ्रेंड्स परिवार सोशल साइट पे हमारी रेसिपी को जरूर शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट्स करना ना भूलिएगा। आपका कीमती समय देने के लिए शुक्रिया।